तेरा पेट बाहर झांक रहा है, तेरे बहुत पतले हाथ हैं, तेरे दोस्त फिट हैं और बॉडी बिल्डर हैं, किसी के शोल्डर अच्छे हैं तो किसी के बाइसेप्स, उनके साथ बाहर जाता है तो लोग पहले उनको देखते हैं फिर तुझे। मन तो तेरा भी बहुत करता है कि उनके जैसे हो जाए, लेकिन सुबह तेरी नींद नहीं खुलती और शाम को जाने की कोशिश करेगा तो तेरा घूमने का टाइम हो जाता है। चाहता तो तू सब है कि तू फिट हो जाए, तेरी भी बॉडी बने, लोग तुझे भी देखें, लेकिन होता तुझसे कुछ नहीं है। तो सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि इंटरनेट पर फिल्मों में अच्छे बॉडी वाले लोगों को देखकर तू अपना दिल जलाता है, मगर जैसे वो हैं उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के लिए खुद को झोंकना पड़ता है। लेकिन अगर इतनी मेहनत तुझसे होगी नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, सब थोड़ी कर पाते हैं, सबके बस की चीज होती भी नहीं। लेकिन जिससे मेहनत नहीं होती तो उसे रोना भी नहीं चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन अगर तुझे वो चाहिए होता ना भाई, तो तू कब का उठकर जिम चला गया होता, कार्डियो करता, वेट ट्रेनिंग करता, किसी से बात करता, जो इतना तू खाता है ना इस पर कंट्रोल करता, अपनी डाइट पर ध्यान देता। अब जब तूने मान लिया है कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और अगर इस उम्र में भी तू खुश है तो खुश रह। बस खुद से ये वादा कर कि कभी अफसोस नहीं करेगा कि मैं जिम चला गया होता तो मैं ऐसा होता, मैं जिम चला गया होता तो मैं वैसा होता। और कितना समय लगता है भाई, 6 महीना। अगर मर मर के भी करेगा तो भी 6 महीने में तुझे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और 6 महीने होते ही कितने हैं, साल भर में तेरा शेप निकल आएगा, और फिर तू साल भर के बाद याद करेगा कि अच्छा हुआ जो मैं चला गया, नहीं जाता तो फिर साल भर अफसोस करता। तो उठ, रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठ और जा। शुरू के 1 महीना कोशिश कर, सिर्फ कोशिश कर। वेट नहीं उठाया जाता तो मत उठा, जिम जा, कार्डियो कर, किसी से पूछ, लोगों को देख, और 1 महीने बाद तू खुद समझने लगेगा कि तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। मेहनत हर काम में लगती है और सब करते हैं। शुरू में सबको तकलीफ होती है, सबकी बॉडी में पेन होता है, लेकिन जब तू पसीने वाले शरीर से जिम से बाहर आएगा तो तुझे ठंडी ठंडी हवा लगेगी और तुझे लगेगा कि तेरी महीनों की थकान उतर गई। और धीरे धीरे जब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो तू जिम जाए बिना नहीं रह पाएगा, और मेरा वादा है कि तुझे रिजल्ट दिखेंगे जरूर। तो दोस्तों, इस नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक जिम जाओ, अपना ध्यान रखो, खुश रहो और जुड़े रहो वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।